वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, डिस्कशन जारी है, कॉल्स हम ले रहे हैं, लाइव नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर है, लाइव कॉल कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जनाब, हमारे पास एक कॉलर भी थी सना, उन्होंने भी हमसे सवाल किया, उनका भी जवाब मिल गया। लेकिन अभी डॉक्टर अली जैदी हमें कुछ कहना चाह रहे थे और कह रहे थे कि आपने मेरी बात नहीं कंप्लीट होने दी, मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो क्या बताना चाह रहे थे आप? मेरी आपने बात पूरी नहीं होने दी, लेकिन चलो आपने फिर मुझे दोबारा मौका दिया, इस पर मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात थी असम्बलियों के गैर फाल होने तक, ठीक है, सिफारतकारी मजबूत बुनियादों पर होगी और एक बड़ी मजबूत सिफारतकारी सिफारती प्लान को वजह किया जाएगा। इस बात का इम्कान है कि एक तिजारती ब्लाक बनाया जाए अपने इत्तेहादी मुमालिक के साथ, यानी कि पाकिस्तान की हकूमत इमरान खान एक तिजारती ब्लाक बनाएंगे जिसमें इत्तेहादी मुमालिक से उन्हीं की करेंसी से लेन देन किया जाए और अपनी करेंसी से, जिसमें डॉलर का अमल दखल बहुत कम होगा। इससे अगर डॉलर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारी मईशत पर असरअंदाज नहीं होगा। और इसके साथ नए सूबे और नई डैम्स की तामीर अमल में लाई जा सकती है। हाँ जी, ये मैंने मुल्क के हवाले से करनी थी, और हकूमत के हवाले से जो है इनको बहुत सारे चैलेंजेस मसाइल का सामना रहेगा, बहुत सारी रुकावटें होंगी, लेकिन मुद्दत पूरी करेंगी। जैसे हमारे साथ दोनों बैठे हैं तो इन्होंने एक बात बड़ी अहम की कि आने वाली हुकूमत भी इन्हीं की, तो मेरा इल्म भी यही कहता है कि नेक्स्ट हुकूमत भी इनके इमरान खान के हाथ पर डबल दिमाग की लकीर है। इसका मतलब होता है जिसके हाथ पर डबल दिमाग की लकीर हो उसकी ज़िंदगी में चीज़ें दो या दो से ज़्यादा बार होती हैं। जैसे इनके अरूज के दौर लगा लें, पहले इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो अरूज आए, फिर हुकूमत में फिर अरूज आए, शादियाँ दो से ज़्यादा हैं, तो इस तरह इनकी हुकूमत के भी दो दौर मेरे इल्म में नजर आ रहे हैं। आने वाली हुकूमत भी बात लगी कि आपने इनकी शादी को इनके हुकूमत के दौर से नहीं, हर चीज़ डबल डबल हो जाती है। इनके हाथ पर दिमाग की लकीर डबल है और इनकी लाइफ लाइन के साथ एक सपोर्टिंग लाइन है। जो दूसरे मुमालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ नरम पॉलिसी अख्तियार करेंगे और इसके साथ पाकिस्तान को की मईशत को मजबूत करने के लिए माली इमदाद भी करेंगे और पाकिस्तान के इमरान खान की हुकूमत के इस्तकाम के लिए भी मदद करेंगे। ठीक हो गया। और हाँ जी, यही है अभी बैरून मुल्क से बड़ी मदद की तवक्का है। हो गया, बैरून मुल्क से और पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे। अच्छा, क्रिकेट ताल्लुकात बहाल होंगे, ये पक्की बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2019 में इंशाल्लाह। मैं तो क्रिकेट के हवाले से फिर मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि क्रिकेट के ताल्लुकात जो बहाल हो जाए पाकिस्तान इंडिया के, मुझे बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली, दोबारा से मैं आपकी जानिब आऊंगी। अभी हम आदाद की बात कर रहे थे, नंबर्स की बात कर रहे थे, ये किस तरह से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें अगर आप। नंबर्स जो हैं वो शख्सियात के साथ कैसे रिलेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे है जी कि नंबर जो है जैसे 1 to 9 है, सही, ठीक है जी, और इसके अंदर ये होता है कि जो आदमी जिस डेट के अंदर पैदा होता है, कई लोगों का तरीका ये है कि जो सिर्फ डेट है वो ले लेते हैं, कई लोग जो हैं वो पूरा डेट मंथ और ईयर जो है उसको कैलकुलेट करके एक नंबर बनाते हैं। अब उस नंबर को रिलेट करते हैं जो एग्जिस्टिंग नेचर की तरफ से नंबर्स हैं, तो उसमें फिर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको उससे मिलाते मिला दिया जाता है। प्लस फिर जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं तो स्टार और उस स्टार की पोजीशन, टाइम ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फिर देखते हैं नंबर से उसका रिलेशन क्या बनता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है वो नंबर्स मैच होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में कहते कि आप अपना ही पूछने, मैंने कहा मैं तो पूछ के थक गई हूँ, इतने सारे लोग आते हैं। पिछली बार मेरे यासीन वट्टू साहब से पूछा मैंने ट्रेवल करना है कि नहीं करना, उन्होंने मुझे फौरन बता दिया, मैं ट्रेवल कर आ गई। अब मैं दोबारा से पूछ लूँ इनसे कि मैं ट्रेवल करूंगी कि नहीं करूंगी, आप मुझे बता देंगे? बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। मैं डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं लिख के दूंगी, मैं बताऊंगी। मिसाल किसी का अगर 9 है, 9 नंबर जो है ना, ये अग्रेसर नंबर है, अमेरिका नंबर है, ये लड़ाई झगड़े का नंबर है, डोमिनेट करता है, तो मतलब झगड़ा भी खड़ा कर सकता है इस तरह। मतलब एक नंबर जो वो हुक्मरान, एक वो हुक्मरान स्टार है, जिसका एक नंबर आएगा वो रूल करेगा किसी ना किसी, चाहे घर में हो, बीबी के ऊपर कर रूल, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में हो जाए, किसी, इसलिए उनका सल उन्होंने जो बताया सही बताया कि इसका तल्लक बहुत लिंक है। ये इल्म अदाद जो है ना, ये इल्म जफर का, ये दोनों चीज़ें तो ये बड़ी कमाल है और ये इसके ऊपर कोई इतना उंगली नहीं उठा सकता कि इस ये अपना इस्लाम के खिलाफ है। ठीक हो गया। क्योंकि अदाद तल्लक ये देखिए ना, आपके अदाद आपके पास है। देखो आप सबसे पहले नमाज पढ़ती हैं, क्या 33 दफ़ा पढ़ो सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, तस्बीह फातिमा कहते हैं ना, ये उसमें अदाद का अमल दखल है। और पूरा कुरान जो है 19 का, देखो ये 19 है ना, 19 का जो अदद है उसके ऊपर पूरा करने के, मिस्र के बहुत बड़े सकालर थे, उन्होंने 19 के सारे कुरान को लपेट के सारे
اپنے آیات کو اور پورے اس کے والے اپنا صورتوں کو لے کے نا تو عدد مت بتایا باقاعدہ ایک فلم بنایا 19 کا عدد تھا اور بسم اللہ الرحمٰن اس کے ٹوٹل الفاظ ہی 19 ہیں. اتنا برکت ہے بہت زیادہ ہی سال بھی بڑا اچھا ہے اس لحاظ سے. اس طرح برخورداری انہوں نے بتایا کہ بڑی صحیح بتائی کہ ہم اگرچہ مسئلے آئیں گے لیکن انشاءاللہ نکل آئیں گے اور ان کا بات ذہن میں بالکل صحیح بات انہوں نے. اچھا کالر لیتے گلناز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو گلناز آپ کی آواز. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گلناز کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی بتائیں. تو اس کا یہی رشتے کے بارے میں پوچھنا کب تک ہوگا کا بات. رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں ہے نا. اچھا گلناز آپ اپنی بیٹی کی نام اور اس کا ڈیٹ آف برتھ. آپ کا نام تو گلناز ہے ہی, ان کی ڈیٹ آف برتھ. بیٹی کا نام سبا. کیا ہے؟ سبا. سبا سبا. ٹھیک ہے سبا. اور اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 21 نومبر. ٹھیک ہے. 1993. اور آپ کا نام گلناز ہے والدہ کا نام. ڈاکٹر محمد علی بتا رہے ہیں ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کالنگ. گلناز صاحب سن لیجیے گا, آپ کو بھی جواب مل جائے گا. یہ بالکل جیسے سے یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں آج جیسے کہ انہوں نے سب میرے سے ماہر ہیں سینئر لوگ بیٹھے, اعداد کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ بھی ہے. لیکن جو چیزیں یہ بتا رہے تھے تو اس کا تعلق ہوتا ہے عملیات سے بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار پڑھا جائے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ہر چیز کا ایک جگہ پر جا کر ختم ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ ڈیٹ آف برتھ چیز ہے, میرا تو علم زیادہ پامسٹری پر ہے, میں اور پامسٹری پر ہی زیادہ فوکس کرتا ہوں. اب آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو ایک رپورٹ دی جائے گی کہ آج کے دن 100 بچے پیدا ہوئے ہیں. تو میں کیا پوچھتا ہوں کیا جی اتنے 100 بچے ایک ڈیٹ میں پیدا ہوئے تو کیا ان سب کے نصیب ایک جیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کئی بچوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں بہت سارے. میں نے ٹوئنز پر بہت ساری ریسرچ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, کچھ چیزیں فیک بھی ہیں. ٹوئنز پر میں نے ریسرچ کی تو دو, میں نے بہت سارے چھوٹے بچوں پر بھی, نوجوانوں پر بھی اور بہت سارے ٹوئنز پر ریسرچ کی تو ان میں عادتیں مشترک نہیں تھیں, ان کے پیشے مشترک نہیں تھے, شوق مشترک نہیں تھے. ایک بچہ بیمار تھا دوسرا ٹھیک تھا. تو اس میں بھی چند ایک چیز لمٹ تک ہی ہے. اور دوسرے نام اور نمبریالوجی پر میں آتا ہوں کہ جو نام ہیں بہت سارے لوگوں کے ایک جیسے ہیں. تو جیسے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف یا مریم نواز, کئی مریم ہیں وہ بیچاری کہاں ہوں گی, اور کئی مریم ہیں وہ بادشاہت پر ہیں. کئی اچھا مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس کالرز بھی ہیں اور میرے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر علی آپ سے جاننا چاہوں گی جو ہماری کالر تھی ان کے حوالے سے. 15/6/2019 کو معاملات ان کے شروع ہوں گے, ٹھیک ہونے انشاءاللہ. کیونکہ جو ان کا ان کی جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی دباؤ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ دباؤ سے نکلتی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. 15/6/2019 ٹھیک ہو گیا اور پھر 1.5 سال اگلا جو ہے یہ بہتر ہے. اس کے اندر جو ہے ان کے رشتے کا کوئی سبب پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, زبردست. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. بھیجیے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ذیشان حیدر. جی ذیشان کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں مسلسل تقریباً 4 سال سے بہت پریشان ہوں. علی زیدی صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی 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 4 سال سے مختلف پریشانیاں ہیں, کاروباری لاس ہیں. 4 سال میں نے تقریباً 25 لاکھ کا لاس کر چکا ہوں. اچھا, اور گھریلو پریشانی بھی ہیں. اچھا آپ کو زیادہ مالی پریشانی ہے؟ مالی زیادہ پریشانی. اچھا آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا پلیز. 12 اپریل 1973. 12 اپریل 1973. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا غیر شادی شدہ ہیں؟ غیر شادی شدہ ہیں؟ نہیں شادی شدہ ہوں, 8 سال ہو گئے شادی کو. اچھا, لیکن مختلف اوقات میں لڑائیاں ہوتی رہی بیگم ابھی بھی. آپ کے گھر میں بھی مسائل ہیں یعنی کہ جھگڑے وغیرہ ہیں؟ جی جی. مالی پریشانی کے ساتھ آپ کو ازواجی الجھنوں کا بھی سامنا؟ وہ مالی پریشانی کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ذیشان, بہت شکریہ. جلدی سے ڈاکٹر علی صاحب ان کا جواب دیجیے. اچھا ان کا ہے جی, ایک منٹ ہے جی, ذرا مجھے ایک منٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے ساتھ جناب سنگر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو احسن, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. احسن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی اچھی بات ہے,
वैसे मैं पूछना चाहूंगा अपने बारे में भी, लेकिन ऐसे ना हम आपसे पहले गाना सुनेंगे और फिर हम आपको कुछ पूछेंगे। अच्छा ऐसे ना आज आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक सूफी कलाम है वो सुना रहा हूँ। जबरदस्त, हम ऐसे से सूफी कलाम सुनते हैं, उस दौरान अली जैदी साहब जो है वो हिसाब किताब अपना कर लेंगे, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ये आपके ये मेरा जवाब आ गया जिसान साहब का, ये इनके जवाल की कैफियत है। ठीक है, ये जो 7 किस्म के अजनास लें जिसमें गुड़ चीनी चावल आटा वगैरह, ये सिर से 7 मरतबा वार के दालें भी हों उसमें, वो परिंदों को डाल दें। ठीक है, ये हर माह में एक बार ज़रूर करें और इनका टोटल वज़न 1 किलो के बराबर हो, और वाकई ही आपके हिसाब में परेशानी नज़र आ रही है, जवाल की कैफियत है, इंशाल्लाह आप सदका दें उसमें, आप उम्मीद है कि 60 दिनों के अंदर इन मामलों से निकल जाएंगे। ठीक हो गया, इसको पढ़ने के लिए बता दे, मामले ठीक हो जाए उसके, पढ़ने के लिए बता दे उनको। अच्छा ये मैं जरा डिस्कशन मजीद कंटिन्यू करेंगे, एसएन की जानिब आऊंगी। जी एसएन जी, सूफी कलाम आपकी नजर है। सजना मैं मुश्ताक दीदार दिया हो गटवाले ना लुक सजना मैं मुश्ताक दीदार दिया तेरे बाज दीवाने पुकार दिया मुफ्त दुकान दी जान दी बांदी मिल माही जिंद जानी मुफ्त दुकान दी जान दी बांदी मिल माही जिंद जानी एकदम ही जा
जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा यासमीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस आप क्या हमारी कॉलेज के हवाले, जिन बेचारे को बड़ी परेशानी माली परेशानी कर रहे थे, हालात उनके घर के खराब है, वो नमाज पढ़ना जरूरी है। हर नमाज के बाद पांच दफा अगर सूरह आल इमरान की है 18, 26, 27 वो पढ़ ले, 18, 26 और 27, ये इंशाअल्लाह ताला इसकी माली परेशानी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हर नमाज के बाद 18 5 दफा आयतुल 18, 26, 27 ठीक है बस, जबरदस्त शाहिद अल्लाह शुट से जानते हैं, और 1 मिनट लगता है पढ़े इंशाअल्लाह ताला। बाकी इन्होंने सदका बताया, सदका तो बला को टालता हर चीज को, इन्होंने इनका जो असल करे, इनका जो इन्होंने जो कहा है उसको अमल करे, लेकिन ये करे बड़ा आसान है, ये को बाजार से कुछ चीजें लेनी नहीं पड़ेंगी। क्या आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद फर्ज नमाज के बाद जो सलाम फेरे ये एक दफा पांच दफा पढ़ लें बस मिला के इंशाअल्लाह ताला, जिसने कर्ज जिसके सर के ऊपर कर्जा उतर जाएगा, और जिसने किसी का कर्जा जिससे पैसे लेने हैं वो घर आके दे जाएगा, ये घर आजमा के देख लें। मैं भी इसमें जिनको बताया है अल्लाह का फजल हुआ है, इस तरह हुआ है, ये बड़ी जबरदस्त आयत, बड़ी जान है इसमें। ठीक हो गया, हमारे साथ कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ जी? मैं फैसलाबाद से मोहम्मद सईद जी कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, मैंने अली सदी साहब से ये पूछ रहे हैं जी, जी जी जी, कि मेरी उम्र तकरीबन 43 साल है, 43 साल, मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन सारी सबकी जिंदगी में ऐसे होते होंगे, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरी आइंदा वाली जो जिंदगी है वो कैसी गुजरेगी? अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा प्लीज। डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, नहीं है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक साहब जी, बताइएगा। अच्छा एक सेकेंड बस, इनके आने वाली जिंदगी में हालात बेहतर हो रहे हैं, लगभग तकरीबन 4 माह लग जाएंगे आपको इंशाल्लाह, आपकी जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हैं घरेलू मामलात के भी आपके बेहतर हो जाएंगे, जो भी आपके घर में मसाइल हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा लगभग 4 माह आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने रवैये में ठहराव की ज़रूरत है, ठीक है, जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें, बस हर काम को सोच समझ के और एहतियात के साथ करें, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब बात करते हैं पर्सनैलिटीज की, रवैयों की, तो हर एक पर्सनैलिटी के साथ कोई ना कोई स्टार एसोसिएटेड होता है, ऐसा ही है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उस स्टार की मूवमेंट से या किसी भी तरीके से? कुरान पाक में सूरह बुरूज है, ठीक है, उसमें बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है अल्लाह करीम ने दी है स्टार्स की, और इनका रिलेशन जो है इंसानी नफसियात इंसानी शख्सियात के साथ है, ठीक है। तो अगर कुरान पाक इस चीज़ की दलील दे रहा है, गवाही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इट डज हैव अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटीज। तो इस तरह अब जिस तरह 9 नंबर की बात हुई, बिल्कुल, इसकी हर हर्फ की तासीर होती है, हर अदद की तासीर होती है, 4 तासीरें आबी बादी आतशी और खाकी, खाकी अब 9 नंबर को हम ले लेते हैं, ये फायर का एलिमेंट है इसका, आतशी तासीर है इसकी, तो इससे जो रिलेटेड लोग होंगे वो तेज तबीयत के हैं, और मतलब वो क्विक डिसीजन मेकर्स हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट ये मतलब इनकी नेगेटिव साइड्स हैं। प्लस साइड्स जो हैं कि ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं उस पर ये रिवर्ट नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, मतलब ये इस तरह से जो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं दे रिलेट टू द नंबर्स एंड द नंबर्स रिलेट टू द पर्सनैलिटीज, ठीक हो गया। अच्छा जी हमारे साथ कॉलर है सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सुमेरा, किससे बात करना चाहिए? मैंने अली जैदी से मालूम करना है अपना शादी का, मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983, 5/4/1900 रात 8:15 बजे में सारी बार में पैदा हुई, शादी का मालूम, ठीक। अच्छा आप ये बताइएगा आपके जिस्म में कोई लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा शादी से मुतल्लिक आपका सवाल है जी, ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ बस, ठीक हो गया अभी आपका जवाब मिल जाता है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सुमेरा जी। एक मिनट बस मैं दे रहा हूँ जवाब, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब हमारे पास टाइम कितना रह गया, मैं उस हिसाब से अपने शो को वाइंड अप कर लूँ। लगभग 10 से 12 माह में इम्कान है कि आपके मामलात शादी से मुतल्लिक आपके कन्फर्म हो जाएगा जो भी होना है, 10 से 12 माह में। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप पूछिए कितना टाइम, 5 मिनट रह गया, 5 मिनट रह गया, ठीक हो गया। मैं एक बात करना चाह रहा था शरीफ फैमिली के हवाले से, शरीफ फैमिली के किसी भी मेंबर का आगे सियासत में कोई रोल नहीं होगा,
अगर ये अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं तो है। इनको शरीफ फैमिली से अलावा किसी मेंबर को सरबरा या चेयरमैन या जो भी मुंतखिब करना है इनकी पार्टी तो, की और जो ये जो शहबाज शरीफ किसी भी कमेटी के चेयरमैन बने हैं वो इनको नहीं बचा सकेगी, इनको सजा हो जाएगी। और मरियम और मियां साहब के नाम ECL से निकाले जाने के इम्कान हैं और इस बात का इम्कान है कि इनके मामलात गिव एंड टेक के साथ हल हो जाएंगे, इनको कुछ देना पड़ेगा उसके बाद ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, शो का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी अपने मेहमानों से एक छोटा छोटा मैसेज ले लूँ और उसके बाद मैं सिंगर से फरमाइश करूंगी। डॉक्टर मोहम्मद अली, आपको मैसेज देना चाहे। मैसेज 2019 के हवाले से कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा से मौका दिया है तो एज ए नेशन एवोल्यूशन की तरफ आए, इर्तका के अमल की तरफ आएंगे तो हम हजूम है इस वक्त, हम नेशन बन जाएंगे। सही। जो लोग पॉजिटिव अपने मकासद आपके सामने लेके आए हैं आपको वो दिखा भी रहे हैं, मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन व्हाट दे सेड, व्हाट दे कमिटेड। एग्जैक्टली। तो हम लोगों का काम भी है कि हम उनके साथ थोड़ा मिलके कंट्रीब्यूट कोऑपरेट करें और ह्यूमिलिएट ना करें, जो वो लोग कर रहे हैं उसको देखें समझें और फिर करें, सपोर्ट करें। ठीक हो गया। चलिए जनाब, वक्त खत्म हो रहा है, आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ जरूर चलेगा, ट्यून करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा पेज है उसको जरूर फॉलो करें, हमारे अपडेट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं। अभी हम आपसे इजाजत ले रहे हैं लेकिन मास्टर सिंगर मौजूद है, उनसे फरमाइश करेंगे कि वो क्लोजिंग जो है हमारी गाने पे करें। शीशा टूटे ते तड़ तड़ होवे ते पत्थर टूटे अगलावे, तारा टूटे आसमान दी हिक चो इक जख्म जहा कर जावे, पड़े चदरा दिल जद भी टुटिया इदे टुटे आवाज ना आवे, ओले ओ ओ ओ ओले ओ ओ ओ ओले ओ, प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे रब कोलो दिल जानी मंगना जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूर है, तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, तू मेरा कुछ भी नहीं ओ मैनू कह गई जड़ी मेरा सुर मेरी लय मेरी ताले, लोकां दी अख विच होर किस शै दा वाले, वखो वख कीता सानू दुश्मन दी चाले, मन ता मुरादा नाल बनदी ते फिट साडी जोड़ी लगती।